नमस्कार, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। इतिहास गवाह है, अहंकार का अंत होता है। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले फिल्म निर्माता, पूर्व IAS ने कहा, बाबा तो गयो। कृषि कानूनों के विरोध में बीते एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की मेहनत सफल हो गई है। गुरु पर्व के खास मौके पर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया और कहा कि हम किसानों को समझ नहीं पाए। उनका कहना था कि महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर अब बॉलीवुड कलाकारों सहित पूर्व IAS और राजनीतिक दिग्गज खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मशहूर फिल्म निर्माता विनोद कपारी ने कृषि कानूनों की वापसी पर ट्वीट किया, इतिहास साक्षी है, अहंकार और रावण का एक दिन अंत हमेशा होता ही है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर चुटकी ली और लिखा, आज और अभी से मोदी युग के अंत की शुरुआत हो गई। पूर्व IAS यही नहीं रुके, आगे भी कहा, बाबा तो गयो। अपने एक ट्वीट में सूर्य प्रताप सिंह ने यूपी चुनाव का भी जिक्र किया और लिखा, सरकार ने घुटने टेके, तीनों काले कानून वापस लिए, यूपी चुनाव तक समझिए बस। MSP पर कानून कब? बॉलीवुड एक्टर्स रिचा चड्ढा ने कृषि कानून की वापसी पर किसानों को संबोधित करते हुए लिखा, जीत गए आप, आपकी जीत में सबकी जीत। भारतीयों को अपने किसानों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मशहूर एक्टर सोनू सूद ने PM नरेंद्र मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर लिखा, किसान अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पूरब और भी ऐतिहासिक हो गया है। जय जवान जय किसान। मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने कृषि कानून की वापसी पर किसानों के जज्बे की सराहना की और लिखा, बिना थके ही लड़ते रहे, हमारे देश के किसानों ने राजा को उसके घुटनों पर ला दिया। एक्टर जी शान आयुब ने किसानों को बधाई देते हुए लिखा, किसान दोस्तों और सभी समर्थकों को बहुत मुबारक हो, हम लड़े साथी, हम जीते साथी, कोशिश करोगे तो कभी ना कभी जीतोगे। कृषि कानूनों की वापसी की लेकर कांग्रेस नेता श्रीनिवास BV भी ट्वीट करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने लिखा, लीजिए काला कृषि कानून हट गया, सावरकर के वंशज फिर से झुक गए। बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल खत्म नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इससे अनुमान लगा सकते हो कि सरकार अचानक क्यों झुक गई, क्यों मोदी सरकार का अचानक अहंकार टूट गया। अब देखना होगा कि इसमें सरकार की क्या साजिश निकलेगी। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए एक बहुजन हलचल, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।